नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा, मैं हूं शिवम। क्या जुबान फिसलने पर एफआईआर होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये होने लगेगा तो फिर पीएम से लेकर सीएम तक सबके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये बताने से पहले एक घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 15 जून का ये मामला है जब अपने एक शो में आर पार, जिसका नाम था पूजा स्थल के विशेष प्रावधान अधिनियम के संबंध में जनहित याचिका पर बहस कर रहे थे एक एंकर जिनका नाम था अमीश देवगन। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर एक टिप्पणी की जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि एक हमलावर और लुटेरे हैं वो। नतीजन देश भर में उनके खिलाफ कई पुलिस शिकायतें कर दी गई, एफआईआर कर दी गई, मामला बड़ा पेचीदा हो गया, खूब विरोध हुआ। देवगन की याचिका अधिवक्ता विवेक जैन के माध्यम से दायर की गई जिसमें उन एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है और इसमें आईपीसी की धारा 295A जिसमें होता है कि जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना। एक और धारा लगाई कि 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि और सद्भावना बिगाड़ने के लिए पूर्वाग्रही कार्य करने। 505 धारा लगाई गई जिसमें मतलब होता है कि जनता में शरारत करने के लिए बयानबाजी। और 34 धारा लगाई गई यानी सामान्य उद्देश्य के तहत आरोप लगा दिए गए। देवगन ने सूफी संत को लुटेरे के रूप में कहा था और बाद में फिर माफी मांग ली। उन्होंने एक ट्वीट किया जो मैं आपको दिखा रहा हूं और ये कहा कि अनजाने में ये उनसे गलती हो गई, अनजाने में त्रुटि हो गई। इसके बाद 26 जून को सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करते हुए अमीश देवगन के खिलाफ जांच और कठोर कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस A.M. खानविलकर इसकी सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की जो पीठ थी उन्होंने अपनी रिट याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई और उन्हें सभी वास्तविक शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनाने के लिए कहा गया था। देवगन की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए थे उनका नाम था सिद्धार्थ लूथरा। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की और उस टिप्पणी को मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अनजाने में त्रुटि ये हुई थी जिसके लिए उन्होंने बाद में सार्वजनिक माफी भी मांग ली। पत्रकार के खिलाफ जुबान फिसलने के लिए एफआईआर दर्ज करना अन्यायपूर्ण है और उत्पीड़न को कम करना है, लेकिन अब ये अन्यायपूर्ण काम सपा प्रवक्ता के खिलाफ किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया उनका नाम है, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है लखनऊ के हजरतगंज थाने में। मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करा दिया गया है और ये मामला बहुत उलझ गया है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता हैं जिनका नाम है हीरो वाजपेयी, उन्होंने अनुराग भदौरिया के खिलाफ एक केस दर्ज कराया है और हीरो वाजपेयी ने कहा है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और सपा प्रवक्ता ने चूंकि टीवी डिबेट के दौरान सीएम योगी और ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, हीरो वाजपेयी ने कहा कि ये अमर्यादित टिप्पणी है, ये आरोप लगाया। हालांकि बाद में अनुराग भदौरिया ने कहा कि उनकी जबान फिसल गई थी, स्लिप ऑफ टंग था। अनुराग भदौरिया के खिलाफ 153A, 295A, 298, 504 और 505 दो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। मामला 11 नवंबर का है, दोपहर को एक डिबेट में अनुराग भदौरिया बैठे हुए थे करीब 3 बजे, एक निजी चैनल की ये डिबेट थी जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने महंत अवैधनाथ का गलत उच्चारण कर दिया, उन्होंने उनको अवैधनाथ कर दिया और ये मामला उसके बाद गर्मा गया। अब अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो स्लिप ऑफ टंग था, उन्होंने जानबूझकर नहीं कहा। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या जुबान फिसलने को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है? क्योंकि अगर ये है तो फिर इस देश में आधे से ज्यादा नेता और पत्रकार तो जेल में होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जबान फिसलती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार जबान फिसली, राहुल गांधी की फिसली, होम मिनिस्टर अमित शाह की कई बार जबान फिसली, कई विधायक और MLA MP की जबान फिसल चुकी है, इवन जो बाइडेन की भी जबान फिसल चुकी है। जुबान फिसलने को क्या इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है और मैं यही प्रश्न कर रहा हूं कि जो अनुराग भदौरिया का मसला है क्या उसको इतना तूल दिया जाना चाहिए जिस हिसाब से तूल दिया जा रहा है? क्योंकि इन दिनों चारों तरफ ये बात चल रही है कि अनुराग भदौरिया ने जो कहा वो ठीक नहीं कहा।
एक इंटेंशनली उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि प्रवेश वर्मा का आप बयान ले लीजिए जो मैं सुनवाना भी चाह रहा हूं आपको, और बाद में उन्होंने उस पर माफी मांग ली। आप अमिश देवगन का बयान ले लीजिए, उन्होंने जो कहा अपनी डिबेट्स में वो कहते हैं, बाद में उन्होंने ट्वीट करके माफी मांग ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस तरह के बयान दिए, अमित शाह ने कई बार इस तरह के बयान दिए, तो इन बयानों पर इतना इनको तूल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तूल दिया गया तो ये सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए और बताइए जरूर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।